सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आरजेडी उभरी सीटों के लिहाज से, तो उन महागठबंधन ने एक वॉकओवर नहीं दिया है एनडीए को। अमूमन होता यह है कि जिस दल की, जिस गठबंधन की सरकार है उन्हीं का स्पीकर होता है, लेकिन यहाँ पर वॉकओवर तेजस्वी यादव ने नहीं दिया है और इसीलिए वोटिंग के जरिए स्पीकर चुना जाना है। तो यहीं पर आप समझ सकते हैं कि आखिर क्यों ये मामला आपको बिगड़ता हुआ विधानसभा के अंदर दिखाई दे रहा है। लेकिन इस बीच मीनाक्षी, वो ऑडियो भी एक बार फिर से अपने दर्शकों को सुना देते हैं जिसको लेकर इस वक्त हंगामा बरपा हुआ है। इस ऑडियो टेप में दरअसल कथित तौर पर, हम इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करते हैं, इसमें लालू प्रसाद यादव ललन पासवान से बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आज के स्पीकर के चुनाव में वो एब्सेंट हो जाएं। पासवान जी बधाई जी, प्रणाम, चरण स्पर्श आपका, ठीक है, खुश रहे, खुश रहे जी, अच्छा लगा, ठीक है। अच्छा सुनो, हाँ हम लोग तुमको आगे भी बढ़ाएंगे, वहाँ अब बताए मैंने, तुम कल जो स्पीकर का चुनाव है उसमें हम लोग का साथ दो, तो उसका हम तुमको बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे, कल तो इनको हम लोग गिरा देंगे, समझे ना। हाँ तो पार्टी में नहीं सर, मैंने पार्टी में है तो एब्सेंट हो जाओ ना, पार्टी में हो तो एब्सेंट हो जाओ। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोरोना हो गया था, फिर तो स्पीकर हमारा हो जाएगा तो हम लोग देख लेंगे ना। अच्छा अच्छा, पार्टी में है सर, थोड़ा सा ठीक है सर। अरे बेकार का, एब्सेंट हो जाओ तुम पासवान जी, आपके संज्ञान में होगा ही सर चेहरा, हम बात करेंगे सर, ठीक है, ठीक। हाँ पासवान जी बधाई जी, प्रणाम, चरण स्पर्श आपका, ठीक है, खुश रहे, खुश रहे जी, अच्छा लगा, ठीक है। अच्छा सुनो, हाँ हम लोग तुमको आगे भी बढ़ाएंगे, वहाँ अब बढ़े मैंने जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रोहित, आपको मेरी आवाज मिल रही है? रोहित आवाज मिल रही है? रोहित, आपसे मेरा सवाल यही था कि ये जो हंगामा हो रहा है दरअसल ऑडियो टेप की वजह से हो रहा है या कुछ और मामला है? देखिए, इसमें बताऊं, जो विधानसभा के अंदर हंगामा चल रहा है वो दरअसल वोटिंग की प्रक्रिया को लेकर इस वक्त चल रहा है, क्योंकि आज स्पीकर का चुनाव होना है और स्पीकर के चुनाव की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है और आरजेडी और महागठबंधन की तरफ से लगातार ये मांग उठ रही है कि गुप्त मतदान कराया जाना चाहिए। वो लगातार वेल के अंदर आ चुके हैं और लगातार गुप्त मतदान की मांग कर रहे हैं, लेकिन जो सरकार है एनडीए है उनके तरफ से ये वो कहा जा रहा है कि गुप्त मतदान की कोई ज़रूरत नहीं है, वॉइस वोट से ही यानी ध्वनि मत से ही जो है इस पर फैसला हो सकता है कि आखिर स्पीकर किसका होगा, क्योंकि विजय कुमार सिन्हा जो कि बीजेपी के विधायक है वो एनडीए खेमे से स्पीकर के दावेदार है, वहीं अवध बिहारी चौधरी जो है वो महागठबंधन से उम्मीदवार है, इसी को लेकर चुनाव होने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन किस तरीके से मतदान हो इसको लेकर जो है जबरदस्त हंगामा इस वक्त विधानसभा में चल रहा है, जहां महागठबंधन गुप्त मतदान की मांग कर रहा है तो वहीं सरकार की तरफ से इस मांग को खारिज करने की बात मांझी क्या बोल रहे हैं सदन में, सुन लेते हैं। सुन आवाज आओ तो सुन तो लीजिए, सुन लीजिए। हाँ माननीय सदस्यगण, यहाँ पर सभी पुराने सदस्य हैं। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, ये सदन की परंपरा रही है और आए दिन ऐसा होता रहा है। पहले सुन ले तो आप लोग साथ सुन लीजिए, संसदीय कार्य मंत्री की बात को, नियमन को सुन लीजिए, उनका क्या कहना है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री बोल रहे हैं, उनकी बात उनको सुन लीजिए आप। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सदन की परंपरा रही है कि अनेक अवसरों पर जब भी सदन में मतदान कार्य होता है जो सदन के भी सदस्य रहते हैं वो रहते हैं, सिर्फ मतदान में हिस्सा नहीं लेते हैं, और माननीय मुख्यमंत्री तो सदन नेता है, ये तो उनको अधिकार है कि सदन में उपस्थित रहेंगे, केवल